चुनावी टाइमिंग में महादेव ऐप को लेकर लगातार राजनीतिक वार पलटवार चल रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आपने, क्या नए आरोप है? चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम नहीं दिया आपको, ये शिकायत आप दर्ज करा रहे हैं? देखिए, हम अपनी पीड़ा अपनी चिंता बता रहे हैं कि कल चुनाव कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हो रही हैं ईडी की तरफ से, सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से कि प्लेन फील ना मिले हमको, तो हम वो आपत्ति देना चाह रहे थे। अब तो भेज दी हमने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले टाइम दिया, फिर उसके बाद अपनी व्यस्तता की वजह बता के उन्होंने मना कर दिया, तो हम अपनी बात नहीं कह पाए ना। तो एक चरण का चुनाव तो हो जाएगा, मिजोरम का चुनाव हो जाएगा और हमारी बात नहीं आएगी, तो ये हमें अपॉर्चुनिटी डिनाई हुई, ये हमारी पीड़ा है। लेकिन बीजेपी के आरोप है कि जुए में भी सट्टेबाजी के जरिए भी भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस ने, ये बड़े आरोप लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री निशाने पर है। बीजेपी तो अभी भ्रष्टाचार कर रही है, जो मंत्री जी ने लगाया वो ऐप पे लगाया, ऐप के फाइल पे नहीं लगाया। और ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ पर वार पलटवार चल रहे हैं, लिहाजा प्रमोद तिवारी भी बीजेपी पर हमला बोल रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।